कितने आदमी थे? मैं पूछता हूँ कितने आदमी थे? एक आदमी था सरदार। वो एक आदमी और तुम छे, फिर भी लौट आए? छक्को धिक्कार है तुम पर, सुअर के बच्चों। अरे ए साबा, कितना इनाम रखे हैं सरदार मुर्दार सिंह हमारे ऊपर? 15,000 पूर है, 15,000। लेकिन अरे तुमने मच्छर सिंह का नाम मिट्टी के तेल में मिला दिया। इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। लोग गोली मार के मारते हैं, हम गोली खिला के मारेंगे। उठा, अरे उठा, तू तो खुद गिर गया। उठ उठ, हम गोली खिलाएंगे। क्या करेंगे? गोली खिलाएंगे। ये तो जल्लाद की गोलियां हैं। पिछले साल 2 गोलियां 12 आदमियों को दी थी, जो आज तक जंगल में लोटा लेके घूम रहे हैं। लोटा बहुत होशियाराना लगता है रे। वो तो सब ठीक है सरदार, लेकिन उस मुर्दार सिंह का क्या होगा? मुर्दार सिंह, तुम टुंडे हो गए, मगर अब भी बहुत टहल रहे हो। बहुत जोर है तुम्हारी टांगों में, बहुत जोर है तुम्हारी टांगों में। मुर्दार सिंह, ये टांगे हमें दे दो, ये टांगे हमें दे दो। सरदार, ये आज जूतों में कीले क्यों ठुकवा रहे हैं? मच्छर सिंह को ठोकने के लिए उसने मेरे दोनों हाथ काट दिए। मेरा नाम भी मुर्दार सिंह है। उसने मेरे इंतकाम के शोले को भड़काया है। मैं कीले वाले जूतों से इसकी ठुकाई करूंगा। ये हाथ मुझे दे दे, ये हाथ मुझे दे दे। छोड़ दे ये। सरदार मुर्दार जिंदाबाद, सरदार मुर्दार जिंदाबाद, मुर्दार जिंदाबाद। सरदार सरदार सरदार, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या बात है बसंती? कैसे बताऊं, बताते हुए मुझे लाज आती है। अगर इस तरह शर्माओगी बसंती, हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे। बोलो। उस कमीने ने हमें बेइज्जत कर दिया। यानी कि बलात्कार, तुम्हारे साथ दूसरी बार बलात्कार। इस बार कौन था? इस गांव में दूसरा कौन हो सकता है? वही माटी मिला मच्छर। हाँ, मच्छर का डंक दूसरी बार। सरदार, तीसरी बार वार हुआ तो गांव में मलेरिया फैल जाएगा। मलेरिया नहीं फैलेगा, हम डीडीटी छिड़कवा देंगे। मच्छर को घास लेट के तेल से मार डालेंगे। 1 रुपए इनाम और बढ़ा दो। मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो। अरे साहबा, बसंती है रे। अरे बसंती, हाय राम हाय राम। मटका फूट गया, फूट गया मटका। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। जोड़ती हो कि आंख मारती हो? आज हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, तुम्हें छुएंगे भी नहीं। देखो छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा नाच देखेंगे बस। नाच? मुझे नाचना नहीं आता। देखो छमिया, हमसे होशियारी मत करवा, चला नाच।
कौन है रे? अरे ये हाथ है का सूंड है, अरे हवा आने दे रे, हवा आने दे रे, अरे अरे हवाई हवा, हवाई हवा, हवाई हवा। चलो मेरे साथ। कहाँ? सरदार मुर्दार सिंह के पास। मैं तुम्हें उसके हवाले करके 15,000 हासिल करूंगा। मगर मुझे क्या मिलेगा? फांसी का फंदा। फांसी का ले आ हरामजादे को। मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई, मर्जी का भाई, मर्जी का ही दुश्मन है खुद गर्जी का भाई, खुद गर्जी का भाई, खुद गर्जी का। मच्छर सिंह बोल कटेले, तुमने बड़े संगीन जुर्म किए हैं। मगर बड़े रंगीन किया है, आए ना बसंती। तुमने गांव के कमसिन जवान लड़कियों को छोड़ के, उनका दिल तोड़ के, उनसे मुंह मोड़ के, 70 साल की बसंती से नाता जोड़ा। अरे बसंती 70 साल की हो कि 16 साल की, जिस देश में गंगा बहती है वहाँ हमेशा बसंती रहती है। फांसी के फंदे तक पहुँचने के बाद भी सबके अच्छा सामने इस बुढ़िया की इज्जत ढिंढोरा पीट रहा है। अरे ढिंढोरा ही तो पीट रहे हैं, कुछ और तो नहीं पीट रहे। मैं तेरी वो पिटाई करूंगा कि तेरी मोहब्बत का धंधा बंद हो जाएगा। ले जाओ इसे, इसे फांसी पे चढ़ा दो। अरे तू क्या हमको चढ़ाएगा, हम खुद चढ़ जाएंगे। आज तक दुनिया में कोई फंदा ऐसा नहीं बना है जो मच्छर सिंह की गर्दन को अपने फंदे में ले सके। ठहर जा, तक सरदार, वो तो भाग गया। तुम भी भाग जाओ, अगली बार जब मैं उसे पकड़ूंगा तो उसकी लाश के साथ साथ तुम्हारी लाश को भी कीले वाले जूतों से कुचलूंगा। अरे अरे कौन हो तुम? अरे सनी देवल हो? अरे थोड़ा है का ये? अरे 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 बहुत ताप था हमको, बहुत ताप था उस जालिम पर, बस पड़ता तो हम उसका कैंच में दबाए देते। अरे कौन हो तुम हमरे देवता? तनिक अपने नकाब हटाए दो, अपना थोपड़ा दिखाए दो। हाय तुम ही तो हमको गिरफ्तार करवाए और हम ही ने तुम्हें बचाया। ऐसा क्यों किए तुम? ये धंधा है प्यारे। कौन सा धंधा है प्यारे, जरा हम भी तो सुने। देखो दिखाओ, पकड़ कर सरदार के हवाले करना और इनाम लेना, और तुम्हें बचाकर फिर वापस लाना, फिर पकड़वाना, फिर इनाम लेना, और इस तरह इनाम लेते जाना। और उस इनाम में से हमारा हिस्सा का है? रुपए में 4 आने तुम्हारे और 12 आने तुम्हारे। मानते हुए ले चलूं सरदार के पास, फिर बचाने वाला नहीं। अरे हिसाब में बहुत कड़क हो मेहरबान। तो मंजूर है? अरे मंजूर है 12 आना। क्या? नहीं नहीं 4 आना मंजूर। हाँ। 4 मंजूर। मिलाओ हाथ। अरे मिलाए लिए, पूरा मिलाए लिए। हाँ, आप आए ना रास्ते पर, आए। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। अरे थोड़ा मजा आ रहा था वो भी चला गया रे। अरे थकेले, अबे ओ सूखे करेले, अरे मालिश कर रहा है कि पालिश कर रहा है? अरे दाऊद के जूते है का? नहीं नहीं, नहीं। अरे मच्छर सिंह है रे, अरे हमारी पीठ पत्थर की ईंट है, जमा के तगड़ा हाथ लगा रे। ताली, अरे कहा है हमारी तू नाली? अरे ताली नहीं, गोली थी, हम चले खोली में। अरे अरे तुम लोग तो खामा खा ही डर गए रे। अरे तो अपना ही आदमी है। अरे ए दोस्त, का खबर लाए हो? खबर बहुत अच्छी है, तुम्हारा इनाम दुगला कर दिया गया है। अच्छा, लेकिन इस बार तुम्हें फांसी नहीं देंगे। तो फिर क्या देंगे? तुम्हारी सजा बदल दी गई है। क्या है? इस बार तुम्हें सिर्फ जिंदा जंगली रीछ के पिंजरे में डाल दिया जाएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, हम जिंदा रीछ बहुत दिन से नहीं देखे हैं। जिंदा रीछ के पिंजरे में, यानी के भालू। अरे हमरा तो बन जाएगा कचालू। अरे चालू, कोई तरकीब चलाए। तू घबराता काहे को है रे? देख पिंजरे में जो भालू होगा ना, वो असली भालू नहीं होगा। तब भालू की खाल में ये तेरा गड़बड़ घोटालू होगा,
ए गड़बड़ घोटालू, तू तो सचमुच का है चालू। जिस शेर की खाल में भेड़िया, वो ऐसे ही रीच की खाल में तू होगा, और तेरे सामने हम होंगे, और हम सीना ठोंक कर कहेंगे, मुर्दार सिंह, तू सचमुच मुर्दार है, तू सचमुच मुर्दार है रे। हमको भालों में घेर के, हमको भालू के पिंजरे में डाल के मरवाना चाहता है। अरे कालिया, तुम भी कान खोल कर सुन लो बचुआ, पिंजरे के अंदर सही सलामत खड़े हो, पिंजरे से बाहर निकले ना तो तुम्हारी बोटी कबाब बना के भाई कल्ला के रे रोड पर भेज देंगे। अबे मैं आनंद हूँ। अरे तो होगा आनंद। अबे ये असली भालू है। अरे मैं भी असली हूँ। अबे मुझे रीच की खाल नहीं मिली। खाल नहीं मिली। अरे अरे कैसी दाल की रे। सरदार ये तो फिर भाग गया। तुम भी फिर भाग जाओ। मेरे से बड़ी ना इंसाफी हुई। मच्छर सिंह तो भाग गया, मैं ना उधर की रही ना इधर की। घबराओ नहीं, हम इधर उधर दोनों तरफ से इंसाफ करेंगे। वो जहांगीर इंसाफ करेंगे कि जहांगीर भी नीचे आके हमसे माफी मांगेगा। हम तुमसे शादी करेंगे। हाँ, हाँ, शादी? और आप? आपके तो दोनों हाथ कटे हुए हैं। तो सिर्फ हाथ ही कटे हैं ना, फिर शादी का हाथ से क्या मतलब? हम शादी करने के बाद सुहाग रात के लिए लंदन जाएंगे एयर इंडिया प्लेन से, वहां जाके दो नए हाथ बनवा लेंगे। बड़े मजे की बात है, मेरे दांत भी नकली है, वहाँ जाकर दूसरे लगवा लोगे। और एक बात मैंने आपसे नहीं कही, मैं सर से गंजी हूँ, वहाँ जाकर नई वीक बनवा लूंगी।